I hope you people are very much aware for the content of a workshop. And I must say, you must be aware about the meaning of research also, as you are having a paper of research methodology in your syllabus. Will you all able to respond me, or any one of you can respond? Are you people aware of the meaning of research? You can write in chat also if you don't want to speak. So we'll continue with the concept of research design. Before going to the research design, I would like to know you about the meaning of research. It's a combination of two words called re plus search. Re means again, and search, to find something. So the things which are existing in nature, but we are unknown about those things, we are working on it. So that is a term called research. So it is a process from unknown to known. So where the things which are unknown to us, we are working to know those things, that is called research. So moving directly to the terminology called research design. Research design is a framework of research methods and techniques applied by a researcher to incorporate different elements and components of research in a systematic manner with a view to operate the research problem efficiently. Most significantly, research design provides the insight about how to conduct a research using a particular research methodology. Research design intends to find answers to research questions. So it is a little bit technical terms we have, like I just read it. So to be very simple, to know you better the things about the research design is nothing. It is just to find out the elements and the components to know the answers to your problems. सो जिस भी टॉपिक पे आप काम कर रहे हैं या कोई भी चीज जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसका एक प्रोसेस होता है दैट इज अ रिसर्च डिजाइन. सो वो क्या है आपके लिए, वो एक रिसर्च प्रॉब्लम है. सो रिसर्च प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए, उसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए, उसके लिए एक प्रोसेस फाइंड आउट करने के लिए हम बोलते हैं रिसर्च डिजाइन. तो किस तरीके से कंडक्ट होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, राइट? गो विद योर डेली रूटीन लाइफ. सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये प्रॉब्लम है, इस टाइम पे वर्कशॉप क्यों हो रही है, या हमें नहीं अटेंड करना, या मैम क्यों बोल रही है कैमरा ऑन करने के लिए. तो ये भी एक रिसर्च प्रॉब्लम है कि वाई स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्विच ऑन देयर कैमरा व्हाइल द लेक्चर्स. तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं. काफी बच्चों ने लॉग इन करके छोड़ दिया होगा, काफी बच्चे सो गए होंगे, काफी बच्चे सिर्फ अटेंडेंस के लिए आए हैं. तो वो रीजन फाइंड करना है कि क्यों ऐसा है. इट इज अ रिसर्च प्रॉब्लम. क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उस स्टडी को करने के लिए, मुझे क्यों स्टडी करनी है ये पर्टिकुलर टॉपिक, कि क्यों स्टूडेंट्स स्विच ऑन नहीं करते. इंटरेक्टिव क्लास बनाने के लिए हमें चाहिए, हमें पता हो बच्चा क्या कर रहा है. सो दीज आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. क्या जानना है हमें कि वेयर द स्टूडेंट्स आर बिजी व्हाइल द लेक्चर इज गोइंग ऑन और व्हाइल द वर्कशॉप इज गोइंग ऑन. सो दिस विल बी द मेजर ऑब्जेक्टिव कि हम क्यों वो स्टडी कर रहे हैं. एंड हाउ वी गोइंग टू कंडक्ट दैट रिसर्च. कितने मेथड्स हैं, कौन से मेथड्स हैं जिसके साथ हमें काम करना है, या किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करेंगे. देयर आर मेजरली टू फंक्शंस ऑफ योर रिसर्च डिजाइन. कि हम रिसर्च डिजाइन करते हैं तो उसके क्या काम हमें आते हैं या क्या काम हमें करना है. सबसे पहले रिसर्च डिजाइन क्या होता है, इट इज अ ब्लूप्रिंट टू द रिसर्चर. जैसे कि आप अपना घर बनाते हैं, घर से पहले क्या होता है, उसका एक मैप बनवाना पड़ता है और उस मैप का अप्रूवल चाहिए होता है. तो वो मैप क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट है आपके घर का. सो इन द सेम मैनर रिसर्च डिजाइन क्या है, वो एक ब्लूप्रिंट है कि आप कैसे रिसर्च कंडक्ट करेंगे. दैट इज अ प्री प्लानिंग. तो उसमें बहुत सारी चीजें आप ध्यान में रखते हैं कि क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, तो उसका सॉल्यूशन क्या अप्लाई करेंगे, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट और द मेजर फंक्शन फॉर योर रिसर्च डिजाइन, दैट इट इज अ ब्लूप्रिंट टू द रिसर्चर. क्या क्या क्वेश्चंस अराइज होते हैं इस पर्टिकुलर फंक्शन में, कि रिसर्च क्या है, उस प्रॉब्लम को हम रिजोल्व कैसे करेंगे, हमें डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्टडी एरिया क्या होगा, किस ड्यूरेशन में हमें स्टडी करना है. दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस
विच हेल्प यू टू नो कि आपका ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है. नेक्स्ट इज दैट इज योर रिव्यू ऑफ लिटरेचर. कोई भी चीज जानने से पहले हम क्या करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम अराइज ही ना हो. जब आप अपना घर बनाने जाएंगे या घर का मैप बनाएंगे तो ये ध्यान रखना है कि आपकी बिल्डिंग स्ट्रेट हो, हर रूम प्रॉपरली डिजाइन हो, इंटीरियर अच्छे से होना चाहिए. सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स यू विल टेक केयर. तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ स्टडी करते हैं उसके बारे में कि क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है मुझे घर बनाने के लिए. या मैं स्टूडेंट्स को अभी स्टडी कर रही हूँ कि स्टूडेंट्स क्यों अपनी वीडियो ऑन नहीं कर रहे हैं, तो वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर मुझे हेल्प करेगा कि ये पहले आंसर्स फाइंड हो चुके हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर. तो ऐसा तो नहीं है कुछ नई प्रॉब्लम है, कुछ नई प्रॉब्लम है तो कुछ नए सॉल्यूशंस भी होंगे, कुछ नए रीजंस भी होंगे. सो दैट इज द रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो ऑलरेडी स्टडी हो चुका है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुके हैं, उसे हम बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर. दीज आर द डिफरेंट फोर कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से फीचर्स ऑफ योर रिसर्च डिजाइन. कि जब भी हम अपना डिजाइन करेंगे रिसर्च का या एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, तो इन चार चीजें हमें ज्यादा ध्यान भी देनी है कि हम जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस होते हैं उसके लिए, कुछ ना कुछ एटीट्यूड्स होती हैं, कुछ ना कुछ कमिटमेंट्स होती हैं. आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप बायस्ड हो रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, वो नहीं होना. इसीलिए उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हमें न्यूट्रल रहना, ना तो प्रोस ना ही कॉन्स. यानी कि ना तो हम पॉजिटिव एस्पेक्ट बना रहे हैं उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए, ना ही कोई नेगेटिव बना रहे. स्टूडेंट्स वीडियो ऑन क्यों नहीं कर रहे, ये हमारा प्रॉब्लम है. ऑब्वियसली कुछ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की पॉजिटिविटी भी होगी, कुछ नेगेटिविटी भी होगी. तो वी हैव टू गेट न्यूट्रल फॉर इट कि ना तो कुछ पॉजिटिव है इसमें, ना कुछ नेगेटिव है. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जब आएगा या प्रॉब्लम के रीजंस फाइंड आउट होंगे, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये प्रॉब्लम पॉजिटिव है कि नेगेटिव, राइट. सेकेंड इज रिलायबिलिटी. आप जो भी काम कर रहे हैं, जिन भी वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, वो रिलायबल होने बहुत जरूरी है. एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज, ये क्या है, एक हुक है. इस हुक के ऊपर टाई पूरा रिलाय है. जब भी हम टाई करते हैं तो हम पूरा वेट उस पर डाल सकते हैं. वो टेस्टेड है कि वो इतना वेट ले सकता है. तो हमें ट्रस्ट बिल्ड करना है जो भी हम वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए. अनदर टर्मिनोलॉजी इंक्लूडिंग इन इज वैलिडिटी. अभी हमने क्या किया, रिलायबिलिटी यानी ट्रस्ट होना चाहिए. वैलिडिटी मतलब कितना वो वैलिड है पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट या वेरिएबल उस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए. ऐसा तो नहीं कि हम कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो उसके लिए वैलिड ही नहीं है. अब मैं स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी कर रही हूँ तो मैं इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकती या उस पे स्टडी नहीं कर सकती कि टीचर ने क्यों नहीं ऑन किया, राइट. इफ आई एम कंडक्टिंग माय वर्कशॉप, मैंने अगर कैमरा ऑन नहीं किया तो ये वैलिड प्रॉब्लम ही नहीं है कि स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं किया. तो फर्स्टली आई हैव टू टर्न माय कैमरा ऑन, तभी तो एक कनेक्टिविटी बनेगी. पहले मुझे शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी तो मेरे स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करेंगे. सो दैट इज व्हाट अ वैलिडिटी, राइट. तो रिलायबिलिटी यानी कि हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं उन वेरिएबल्स पे और कितना वो वेरिएबल वैलिड है उस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन को निकालने के लिए. एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर रिसर्च डिजाइन इज जनरलाइजेशन. तो आप थोड़ा अगर इस पर्टिकुलर इमेज को देखें तो आई गेस आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा इस पर्टिकुलर थिंग में. अ सन इज सेइंग और थिंकिंग अबाउट हिज मॉम दैट मॉम इज ऑन डाइट अगेन. इन द सेम मैनर हस्बैंड इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट हिज वाइफ दैट हिज वाइफ इज ऑन डाइट अगेन बट बोथ द वुमेन आर डिफरेंट ओवर हियर, राइट. तो कंक्लूजन क्या हो सकता है कि दोनों ही फीमेल्स की बात कर रहे हैं और दोनों ही फीमेल्स क्या कर रही है, डाइटिंग पर है. तो एक जनरल कंसेप्ट या फिर जनरल व्यू पॉइंट क्या बन जाएगा, दैट ऑल वुमेन आर डाइट ऑन ऑल द टाइम. तो ये क्या है, जनरलाइजेशन है कि हमने इन जनरल सभी वुमेन को एक ही टर्मिनोलॉजी में डाल दिया कि सभी वुमेन डाइट पर रहती हैं हमेशा. नेक्स्ट इज द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ योर रिसर्च डिजाइन. डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है कि एक पर्टिकुलर पर्पस स्टेटमेंट होनी चाहिए. पर्पस क्या होता है, विजन या मिशन, कि हमारे पर्टिकुलर प्रॉब्लम का मिशन या विजन क्या है, हम क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, हमें एंड रिजल्ट्स क्या चाहिए. देन व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू अचीव दोज स्टेटमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट मैथमेटोलॉजी यू विल गोइंग टू फॉलो इट. ऑब्जेक्शंस विल बी योर लिमिटेशन.
हर चीज अवेलेबल तो नहीं होती है. मनी कैन बी योर कंस्ट्रेंट, टाइम कैन बी द कंस्ट्रेंट. अगर हम अभी की बात करें तो मेरे पास टाइम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि जो मीटिंग है दैट इज फॉर द 40 मिनट्स ओनली, जिसमें से 10 मिनट्स मेरे स्टूडेंट ने ले लिया कि नहीं हम तो जा रहे हैं, अभी एंटर कर रहे हैं, स्टिल पीपल आर कमिंग. तो दैट इज वॉट, दीज आर द ऑब्जेक्शंस, दीज आर द लिमिटेशंस थ्रू आउट माई रिसर्च डिजाइन. कुछ बच्चे अभी साथ साथ ज्वाइन करते भी जा रहे हैं. तो ये क्या है, ये ऑब्जेक्शंस हैं, ये लिमिटेशंस है मेरी स्टडी की, जिसे मैं अवॉइड नहीं कर सकती या इन पे काम नहीं कर सकती. देन द डिफरेंट सेटिंग्स, कि आपने प्रोसेस क्या फॉलो किया है, टाइमलाइन क्या है, डेडलाइन क्या है हमारी, किस तरीके से हम मेजर करेंगे, देन व्हाट आर द डिफरेंट एनालिसिस मेथड इन्वॉल्विंग इन, राइट? सो दीज आर योर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन. सो नाउ वी आर मूविंग टू द टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके बाद आप ट्रेनिंग पर जाएंगे, इंटर्नशिप करेंगे, इंटर्नशिप के बाद आपको प्रोजेक्ट बनाना है. तो उस प्रोजेक्ट में एक हेडिंग होगी रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक पूरा चैप्टर होता है, उसमें एक टॉपिक होता है आपका रिसर्च डिजाइन. इसी के बेस पे आपको पता चलेगा कि आप अपनी रिसर्च कंडक्ट करने वाले हैं. सो रिसर्च डिजाइन इज योर मेजरली ऑफ टू टाइप्स, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव. एज यू पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट द टर्मिनोलॉजी और द टर्म कॉल्ड क्वांटिटी एंड द क्वालिटी. सो वेयर द थिंग्स कैन बी इन नंबर्स, दैट इज क्वांटिटेटिव. वेयर द थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ एडजेक्टिव्स, विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, दैट इज योर क्वालिटेटिव. So these are the types. So quantitative research that uses the quantity problems, quantity phenomena, or the quantity variables, that is numerical form, जिसे हम structured research भी कहते हैं. तो जब भी हम अपनी quantitative research follow करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होते हैं, हमारे objectives, design, your sampling, your compilation of your questionnaire, क्योंकि on that questionnaire what you do, you will प्रोसेस योर डेटा विच हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द वैलिडेशन ऑफ योर डेटा, कि वो आपने जो डेटा यूज किया है या जिन भी लोगों से अपना सर्वे फिल कराया है वो वैलिड है या नहीं. एंड देन यू विल गो फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ योर रिजल्ट्स, और यू कैन से फाइंडिंग्स, जिसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च, राइट? नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च. तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजरली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, that is exploratory and conclusive research. Exploratory research that is usually done to find out the more details in an issue, topic or problem. So we'll carry forward this particular research, that is जो भी हमारी problems हैं उसको हम explore कर रहे हैं, जो हमें clear नहीं है उसको हम identify कर रहे हैं कि actually में वो चीजें हैं क्या. तो उसमें प्रोसेस क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होती है, सैम्पलिंग डिजाइन होती है, और डिफरेंट मेथडोलॉजीज जो कि हम फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. कंक्लूसिव रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट एम्स टू गेट कंक्लूजन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स एंड योर प्रॉब्लम्स. तो कंक्लूसिव रिसर्च क्या है, जो हम कंक्लूजन डिराइव करते हैं किसी एक प्रॉब्लम से, जब हम कंक्लूजन डिराइव करते हैं तो वो होती है हमारी कंक्लूसिव रिसर्च, जो कि किसके ऊपर बेस्ड होती है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव्स एंड योर डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन इट. कंक्लूसिव रिसर्च इज सब डिवाइडेड इनटू टू, दैट इज डिस्क्रिप्टिव एंड कैजुअल. सो दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर इंटर्नशिप एंड गोइंग टू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, मेजरली इट इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च, राइट? So, descriptive research consists of 5 research types. First is case studies, second is case study series, third is cross-sectional study, next is longitudinal study, next is retrospective changes. So, we'll discuss it all 5 one by one. So, firstly, we'll move into the case study. सबने पढ़ा हुआ है, आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक्चुअल में रियल टाइम प्रॉब्लम होती है वो किसी कंपनी की, आपसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं, उसे बोलते हैं केस स्टडी. अनदर एग्जांपल, ये तो आपको एक नॉर्मल पता ही है, अब मैं क्या डिफरेंट बता रही हूँ, इट इज लाइक अ केस ऑफ अ कैंसर पेशेंट इन अ सिटी. ये भी एक केस स्टडी हो सकती है कि हमारी सिटी में कितने कैंसर पेशेंट्स हैं. तो क्या हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, रिसर्च सब्जेक्ट विच टॉक्स अबाउट द सक्सेस स्टोरीज, बिजनेस फेलियर्स एंड द लाइफ स्ट्रगल, उसे बोलते हैं हम केस स्टडी. नेक्स्ट इज
डिफरेंट केस स्टडी सीरीज इट टॉक्स अबाउट द ग्रुप ऑफ केस स्टडीज कि बहुत सारी हमारे पास केस स्टडीज हैं उसको हम एक ही बारी में पढ़ रहे हैं यानी डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सच स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन हु हैव मैनेज्ड टू गेट सेटिस्फैक्टरी ग्रेड्स इन सेवरल स्कूल्स सभी स्कूल का सेम प्रॉब्लम है सभी स्कूल का सेम चीज है कि बच्चों को ग्रेड कैसे अच्छे दिलाएं तो ये क्या है सभी कॉलेज का सेम है तो वी कैन टॉक अबाउट कि केस स्टडी सीरीज यानी सबको हम इकट्ठे पढ़ रहे हैं देन इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी इट इज अ स्टडी दैट एम्स टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द सिचुएशन इन जनरल वेयर द वेरिएबल्स आर असेस्ड ओनली वंस टू ऑब्टेन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स कि हम वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप ले रहे हैं और वो वेरिएबल्स क्या है डिफरेंट सेक्शंस के हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी एग्जाम्पल वी कैन टॉक अबाउट इज अ पब्लिक ओपिनियन ऑन अ पर्टिकुलर कंडीशन तो एवरी स्टूडेंट एवरी पर्सन हु गिव्स देयर ओपिनियन डिफरेंट फ्रॉम वन टू अनदर तो वहां क्या होती है वो क्रॉस सेक्शनल होती है क्योंकि वहां कोई हमने बेस नहीं डिसाइड किया कि यही लोग उस पर ओपिनियन देंगे पब्लिक ओपिनियन में कोई भी हो सकता है वो मेल भी हो सकता है वो फीमेल भी हो सकती है वो चाइल्ड भी हो सकता है वो टीनेज भी हो सकता है वो सीनियर सिटीजन भी हो सकता है सो देर इज नो स्पेसिफिकेशन नेक्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल स्टडी वेर वी टॉक अबाउट अ ड्यूरेशन राइट कि प्री लिबरलाइजेशन क्या कंसेप्ट था प्री ग्लोबलाइजेशन क्या कंसेप्ट था पोस्ट ग्लोबलाइजेशन क्या है अगर ग्लोबलाइजेशन चल रहा है तो क्या वो क्या कर रहे हैं हम ड्यूरेशन की स्टडी कर रहे हैं यानी कि एक पॉइंट की बजाय हम तीन पॉइंट ले रहे हैं प्री प्रेजेंट एंड पोस्ट ऐसे ही जैसे हम सेल्स की स्टडी करते हैं जब हमने टेस्टिंग करी तो वो हमारा था प्री सेल्स जहां हमने फ्री सैंपल से काम किया प्रेजेंट यानी कि जब हम सेल्स कर रहे हैं पोस्ट सेल्स यानी कि आफ्टर सेल सर्विसेज या आफ्टर सेल लोगों के व्यूज क्या हैं आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर दैट इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी नेक्स्ट इज योर इट कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स ट्रेंड स्टडीज आई एम जस्ट स्किपिंग इट बिकॉज वी लिव विद ओनली फ्यू मिनट्स रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस Retrospective changes क्या करता है It aims to compare the cases with certain, for example, research on diabetic patient with the amount of sugar consumed each day. ये क्या है Retrospective changes. यानी कि हम ये identify कर रहे हैं कि पहले without sugar क्या concept रहा या क्या उसका sugar level था Then after consuming one spoon of sugar or two spoon of sugar उसका क्या level रहा So that is a retrospective changes. कि हमने पहले consume नहीं किया उस पहले क्या आपका लेवल था आफ्टर कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग क्या रहा नेक्स्ट इज योर कैजुअल रिसर्च इट डिटरमाइंस द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स सो इट इमर्ज एज अ डिटेक्टेड इन द स्टैटिस्टिकल प्रोसेस इटसेल्फ सो वेयर देयर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड वी विल आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इसे हम बोलते हैं कैजुअल रिसर्च सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैजुअल रिसर्च फर्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल Another is quasi-experimental study. So experimental, जहां हम बात करते हैं experiments की, right? आपके पास एक particular environment होता है, आपने अपने सबने school में labs में करा है, उसका temperature set होता है, आप different acids या different solutions से testing करते हैं, उसे बोलते हैं experiment. That is hit and trial method. ठीक है? आप experiment करो, इससे solution निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो ठीक है. अब हम दूसरा वेरिएबल लेते हैं या दूसरी चीज को इन्वॉल्व करते हैं दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल स्टडी नेक्स्ट इज क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल स्टडी विच इन्वॉल्व्स द सेवरल वेरिएबल्स दैट इंटरवेन व्हेन अ रिसर्चर डज नॉट हैव अ फुल कंट्रोल ओवर द एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंटल में क्या था हमारे पास एनवायरमेंट का कंट्रोल था बट क्वासी एक्सपेरिमेंटल में क्या है पार्शियल कंट्रोल है हम फुल कंट्रोल नहीं कर सकते उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट पे क्वालिटेटिव रिसर्च वन ऑन वन इंटरव्यू होते हैं उसे हम क्वालिटेटिव कहते हैं जहां हम नंबर्स में नहीं कर सकते फोकस्ड ग्रुप्स क्या होता है हमने एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दिया उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप लोग भी पांच या छह स्टूडेंट्स जब बैठते हैं या आपस में एक ग्रुप पूरा बैठता है फ्रेंड सर्कल का और किसी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम दैट ग्रुप इज अ फोकस ग्रुप कि वो सारे ग्रुप एक ही प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं टू फाइंड आउट द आंसर्स रिलेटेड टू व्हाई व्हाट एंड हाउ दीज आर द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड जो पूरा ग्रुप मिलके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आइडेंटिफाई करता है देन इज द एथनोग्राफिक रिसर्च
एथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, जो कि टारगेट ऑडियंस पे काम करता है, टू अडेप्ट टू द टारगेट ऑडियंस विच कुड बी एनी वेयर फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन टू अ सिटी और एनी रिमोट लोकेशन. हियर ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स कैन बी अ इशू वाइल कलेक्टिंग द डेटा, क्योंकि बहुत सारा एरिया होगा, बहुत सारी कंपनी के फ्रेंचाइजीज होंगी, कहीं से भी कोई पॉपुलेशन या कहीं से भी कोई आपने एम्प्लॉय उठाया उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो दैट इज अ एथनोग्राफिक रिसर्च. नेक्स्ट इज रिकॉर्ड कीपिंग. आपके पास अपने रिकॉर्ड्स हैं, डेटा अवेलेबल है, उस डेटा पे आप काम कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा यू विल आइडेंटिफाई और ट्राई टू सॉल्व द इशू, दैट इज अ रिकॉर्ड कीपिंग, जैसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं. सो फ्रॉम माई साइड आई हैव डन, इफ एनी स्टूडेंट हैविंग एनी इशू डू लेट मी नो अबाउट इट. मैम आई थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वैल्यूएबल टाइम. एंड आई ऑल्सो मेंशन आई रियली थिंक कि आपका लेक्चर स्टूडेंट्स को काफी यूजफुल रहा होगा. आई रियली होप सो.